और भारत के नेतृत्व को आज दुनिया मान सम्मान दे रही है। जिन लोगों को लगता है पीछे जा रहा है, तो मैं कहता हूँ ऐसा और तेजी के साथ पीछे जाए, ताकि नंबर तीन और फिर बाद में सुपर पावर बन के दिखाए। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि गैस महिलाओं को सरकार ने गैस दिया है, वो जो लकड़ा जंगल की कटाई कम हुई है, लेकिन अभी अगर ट्रेंड देखा जाए तो फिर से महिलाएं जो है जंगल कटाई की तरफ बढ़ रही है, और उनके पास इतने पैसे नहीं है। सिलेंडर तो उनको मिला, लेकिन गैस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूँ कुछ बातों को लेकर, ये केवल मेरे और आपके कहने से नहीं चलेगा। ये आंकड़े दिखाते हैं कि रिफिल कितना हो रहा है, और 200 रुपए की सब्सिडी मोदी सरकार ने अगले एक वर्ष के लिए पूरी कर दी है, दे दी है। अगर आप खाद की बात करें, यूरिया की बात करें, तो दुनिया भर में दाम 3 गुना ज़्यादा बढ़े। हमने 2,30,000 करोड़ की यूरिया पर सब्सिडी पिछले एक साल में दी है। MSP की खरीद को 70% ज़्यादा दाम बढ़ाए हैं, खरीद दुगनी से ज़्यादा की है, और किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1,35,000 करोड़ रुपये का मुआवजा अलग से मिला है। पहली बार देश में हुआ कि जो खेती बाड़ी करते किसान हैं, उनकी ज़मीन 51% सिंचाई योग्य, यानी कि पानी जहां पे लगा पहले आज तक नहीं था। अब 1,00,000 करोड़ की लागत से हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से भंडारण की क्षमता बना रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, और हम प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के माध्यम से। ये पहले क्यों नहीं हुआ? नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट पहला दुनिया का लगा तो भारत में लगा है। अब 50 किलो की बोरी नहीं लेनी, इतनी सी बोतल में आप उतना ही काम कर सकते हो। सर, आज मोदी जी के भाषण में 2047 तक विकसित देश बनाने का कहा गया है, पर विपक्ष कह रहा है कि अनपढ़ लोग कैसे बनाएंगे सर इसको? देखिए, ऐसे पढ़े लिखे लोग जो अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवी माने जाते थे, जिनकी सरकार की चाबी कहीं और होती थी, और जिनके पास चाबी होती थी उनके दिलो दिमाग पे घोटाला ही छाया होता था, क्योंकि नेहरू जी के समय से लेकर राजीव गांधी और राहुल गांधी जी के समय तक, इंदिरा जी से सोनिया जी के समय तक, कांग्रेस भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही करती रही, और जब सत्ता मिली भी तब यही सोचती रही। हमने 9 सालों में ईमानदारी ईमानदारी और ईमानदारी से सरकार चलाई। इन्होंने खजाने खाली किए, हमने खजाने भरे। इन्होंने अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाया, हमने 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। तो हमें तो इनकी तुलना किसी भी क्षेत्र में करेंगे, हम इनसे बहुत बेहतर हैं। ये गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, गरीब मिटते रहे कांग्रेस के समय, हमने 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आपला जिल्हा पालघर जिल्हा, पालघर जिल्ह्यातील घडामोडी पाहण्याकरिता पालघर न्यूज नेटवर्क हे चॅनल जरूर पहा।